क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को एक साल की जेल होने वाली है? तो मामला पूरा ये है कि मुफ्ती साहब के खिलाफ पहले जूनागढ़ में FIR हुई थी, जिसके बाद गुजरात ATS उनको जूनागढ़ के पुलिस स्टेशन में ले गई, लेकिन अदालत से उनको जमानत मिल गई। जैसे ही मुफ्ती साहब को पहले केस में जमानत मिली तो उसके फौरन बाद गुजरात के दूसरे जिले में उनके खिलाफ FIR हो गई, जिसके बाद उस जिले की पुलिस उनको पुलिस स्टेशन ले गई, लेकिन एक बार फिर से अदालत से उनको जमानत मिल गई। दूसरी FIR से जमानत मिलने के बाद गुजरात के एक दूसरे जिले में उनके खिलाफ तीसरी FIR दर्ज हो गई और मोडासा की पुलिस मुफ्ती साहब को पुलिस स्टेशन ले गई, लेकिन इसमें भी अदालत ने उनको जमानत दे दी। लेकिन उसके बाद जूनागढ़ के कलेक्टर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और पासा कानून के मुताबिक उनको जेल करवा दी। पासा कानून बड़े बड़े क्रिमिनल्स पर लागू होता है कि अगर किसी के खिलाफ 3 FIR हो गई तो कलेक्टर उसको 3 महीने से लेकर 1 साल की जेल करवा सकता है। हमेशा की तरह सिर्फ मुसलमान पर कार्रवाई हुई और असली गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं।